नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। किसानों को मारना बंद करें मोदी जी, वरना छात्र युवा बेरोजगार भी रीवा से दिल्ली कूच करेंगे। अनूप चंदेल, किसान का पुत्र, बेरोजगार युवाओं से किसान आंदोलन में आगे आने अपील करता हूं। मंजुल रीवा, 9 जनवरी युवाओं से रोजगार छीनने, छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के बाद देश के अन्नदाता किसानों को मारना छोड़ दीजिए मोदी जी, वरना किसान पुत्र युवा बेरोजगार किसानों के सम्मान में 12 जनवरी को रीवा से शंख दान कर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उक्त विचार एनएसयूआई रीवा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष जुबेर खान प्रिंसू ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। श्री त्रिपाठी ने आगे कहा कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया बाधिन वानखेड़े ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी की सहमति और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, कमलेश्वर पटेल जी, पूर्व सांसद राजमणि पटेल जी, दादा भाई पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ राजेंद्र सिंह, जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण, जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया, सिद्धार्थ तिवारी राज, सुखेंद्र सिंह बन्ना, रमाशंकर सिंह पटेल और मेरे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल सहित सभी वरिष्ठ जन के अनुसार दिए गए हैं। उसके लिए हृदय आभार करते हुए कहा कि जिले के सभी युवा छात्र बेरोजगारों से किसान के सम्मान में 12 जनवरी को पद्माधर पार्क में होने वाले किसान महापंचायत में शामिल होकर किसानों के हक अधिकार की रक्षा करने की अपील की है। युवा नेताओं ने शिवराज सरकार को युवा विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि कोरोना काल में युवा विरोधी सरकार के आलम में सरकार की गलत नीतियों के कारण अपराध जगत में फंसता जा रहा है। रोजगार के चक्कर में सट्टा, जुआ और कोरेक्स शराब की पैकारी करने को मजबूर है, जो सभ्य समाज के हित में नहीं है। उन्होंने वार्ता के माध्यम से छात्रों से प्राइवेट स्कूल कॉलेज के संचालकों द्वारा लूट पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यदि रीवा के नर्सिंग कॉलेज से लेकर कंप्यूटर और इंजीनियरिंग कॉलेज संचालक कोरोना काल की फीस वसूलने की जबरदस्ती करते हैं तो किसान आंदोलन के बाद एनएसयूआई द्वारा लूट करने वाले शिक्षण संचालकों के खिलाफ उनके संस्था धरना आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आप सभी को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यूथ कांग्रेस शहर रीवा का अध्यक्ष हूँ। जो मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है उसका पूरी तरीके से एकदम संघर्ष के साथ यूथ कांग्रेस इस किसान के मामले को लेकर, जो आज देश का किसान लगातार 42 दिन से इस ठंड में वहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी बारिश के बाद भी देश के यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जुबेर खान प्रिंसू जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही संगठन द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीरज कुंदन जी, प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर जी, प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पूर्व अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वय अध्यक्ष आदरणीय गुरमीत सिंह मंगू भैया, श्री भगत शुक्ला जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी अनुशंसा पर मुझे आज ये दायित्व मिला है। और मैं कोशिश करूंगा कि सभी ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है उस पर मैं खरा उतरूं। और आप सभी से भी निवेदन है, जिस तरह आपने एनएसयूआई को पहले भी प्यार दिया है, आगे भी ऐसे देंगे। मैं सभी छात्रों से ये अपील करूंगा, 12 तारीख को कांग्रेस द्वारा जो किसान आंदोलन किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इसके बाद आज जो है कल मंजुल त्रिपाठी जी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नए जिलाध्यक्ष बने हैं, और आज हम सभी युवा साथियों की तरफ से किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की इस जिले से भागीदारी हो और 12 तारीख को किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। अगर केंद्र की भाजपा सरकार जल्द से जल्द किसानों को मांगों को नहीं मानती है तो रीवा जिले से युवा दिल्ली के लिए कूच करेगा और उस किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे।